किशन लाल हौसला रख जाए। डॉक्टर साहब सब ठीक तो है ना? आई एम सॉरी, माँ और बच्चा दोनों की हालत सीरियस है, ऑपरेशन करने पड़ेगा। इसके लिए थाने ही पेपर पे साइन करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब जान में खतरा तो कोनी? केस बड़ो कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, जच्चा और बच्चा दोनों की जान में खतरो है। नहीं डॉक्टर साहब, यह मत बोलो, यह मत बोलो, भगवान के लिए मेरी रुक्मिणी ने बचा लिया। डॉक्टर साहब तो पैसा की चिंता मत करो, जत्ता भी लगेगा मैं दूंगा। डॉक्टर साहब मैं दूंगा। देखो मैं एक डॉक्टर हूँ, व्यापारी नहीं हूँ। मैं इतना ही कह सकूँ कि तुम्हारी कोशिश में मैं कोई कमी नहीं आने दूंगा। बाकी बचावनी तो भगवान है, आप अपने इष्ट देव से प्रार्थना करो कि हमारे ऑपरेशन की लाज रख लेगा। डॉक्टर होके ताने खुद पे विश्वास को नहीं और माने भगवान पे विश्वास रखने के लिए कह रही हो? मेडिकल साइंस चाहे कितनी भी तरक्की कर ली हो पर आज भी आदमी भगवान के भेद ने को नहीं समझ सके। ठीक है डॉक्टर साहब, आप ऑपरेशन करो। हाँ भाई साहब, तो चिंता मत करो, रुक्मणी भाभी तो साला सर बाबा री भक्त, फिर बाल भी बापू को ही हो बगो। माने तो अबारी मारा पड़ोसी हरभजन से खबर मिली, सीधो भाग्य आ रही हूँ। हे भगवान, मेरी रुक्मणी की जान बचाइए भगवान। भगवान भगवान भगवान, अरे सब बकवास है, मैं कौन ही मानू भगवान ने और के दियो है भगवान ने मने? क्यों झावत बोल, के दियो है? अरे मारी पत्नी 7 साल की बच्ची ने मारी गोद में छोड़ के सदा के लिए ये दुनिया से चली गई, क्यों मानू मैं भगवान ने? भगवान की यही मर्जी ही ओम प्रकाश। ज्ञान की बात लेकर बैठा किशन भाई साहब, रुक्मणी भाभी ने लेकर भैया भी परेशान है, शांति भाभी, रुक्मणी को कुछ नहीं होगा। बीका विश्वास पर मने विश्वास है, हाँ बीकी साला सर बालाजी में अटूट श्रद्धा है और बीकी श्रद्धा पर मने पूरा विश्वास है। सब ठीक हो जाए। डॉक्टर साहब बधाई हो किशनलाल जी, ऑपरेशन इज सक्सेसफुल, बेटी हुई है। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मने नहीं, भगवान ने दियो। वो चमत्कार हुयो है, वो मेडिकल साइंस को नहीं, वो ईश्वर की कृपा और श्रद्धा को फल है। यहाँ पर जो आज माँ और बेटी दोनों स्वस्थ है। क्यों ओम प्रकाश जी, देख लियो साला सर बालाजी की कृपा रो चमत्कार है। शावर, वो तो साचे चमत्कार ही है। ये घटना से तुम्हारे मन में साला सर बालाजी के लिए श्रद्धा जागी है। मेरी पत्नी के श्रद्धा से मेरी बेटी को जन्म हुयो और मेरी बेटी का जन्म से साला सर बालाजी के प्रति तेरी श्रद्धा जागी, तू नास्तिक से आस्तिक बन गो, इसलिए मैं मेरी बेटी को नाम श्रद्धा ही रखूंगा। कमाल है भाई साहब, भारी बेटी को नाम आस्था, ओ भाई साहब की बेटी को नाम पूजा और अब थारी बेटी को नाम श्रद्धा, तीनों ही भक्ति रो रूप, पूजा आस्था और श्रद्धा। बोलो साला सर बालाजी की जय। जय साला सर बाबा की। याद है नहीं के? बाबा की कृपा से ही श्रद्धा आई थी,
आपा ने बाबा रे जानो है। चलो साला सर चाला, चलो साला सर चाला, चलो साला सर चाला, चलो साला सर चाला, चलो रे साला सर चाला, चलो रे साला सर चाला, चलो साला सर चाला, चलो साला सर चाला, चलो साला सर चाला, चलो साला सर चाला। दुखा से मत डर मत डर मत डर, जल्दी चाल अरे साला सर, दुखा से मत डर मत डर मत डर, जल्दी चाल अरे साला सर, वो तेरा दुखड़ा मिटा दे जो तेरा सब संकट काटे गो, वो तेरा दुखड़ा मिटा दे गो, तेरा सब संकट काटे गो, वो है सचो संकट मोचन। दरवाजे पर नौबत बाजे, दरवाजे पर नौबत बाजे, भीतर सुंदर जाके साजे, झिलमिल झिलमिल ज्योति झलके, दर्शन करता दाड़ भाजे, दरवाजे पर नौबत बाजे, भीतर सुंदर जाके साजे, चाल कर दर्शन कर साला सर, देर मत कर मत कर मत कहे, चाल कर दर्शन कर साला सर, वो बिगड़ा काज सवारे को, सारी ही विपदा टाले को, वो है साचो संकट मोचन। बजरंग बालो मांजरी को डालो, बजरंग बालो मांजरी को डालो, चालो साला सर चालो, चालो साला सर चालो, चालो साला सर चालो। रुकमा रुकमा क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रहे हो। अरे तू सुनेगी तो तू भी खुशी से उछल पड़ेगी। अब बोलो भी। तने याद है पिछले साल अपन ने कपड़ा को साउथ अफ्रीका से बहुत बड़ा ऑर्डर मिले हो, पर ते समय पर माल को नहीं दे सकिया और सारा ऑर्डर कैंसिल हो गया, माल तो गोदाम में पड़ा रह गया। अरे लेकिन आज अचानक सारो माल बिक गो और मालिक उन भी क्यों एक बहुत बड़ा ऑर्डर भी मिल गो, अपन ने लाखों को फायदा हुआ। ये सब तो साला सर बाबा की कृपा। साला सर बाबा की कृपा, साची बोले बेटा। रुकमा जब से अपना साला सर बाबा का दर्शन करके आया है ना, जब से अपन ने खुशी खुशी की खबर मिल रही है। जय साला सर बालाजी। हाँ मोटर, तेरा पापा अब स्कूटर में नहीं मोटर में काम पर जावेगो। क्यों आज दिन में कोई सपनों देख लियो? नहीं आज थारी माँ, मैं सपना रही नहीं, हकीकत री बात कह रही हूँ। क्यों इशू क्यों हो? मारो प्रमोशन हो गो है। साची साची, अब आपने कहने भी सरकारी बंगलो सरकारी कार होगी। यह सब तो दोनों माँ बेटी साची कह रही, दीदा दरबार में तो कोई खाली हाथ नहीं जा सकता। मोबाइल ले बेटा। हाय पूजा। हाय श्रद्धा। बताना क्यों हो? आस्था देख, मेरी ज्यादा बोलने की तो आदत को नहीं, मगर बिना बोले चाले को नहीं, ओ जो सो तो पूछ।
भरी थी मन भरी थी, राजा जी के बाग में दुशाला ओढ़िया खड़ी थी। बोला एक मिनट पूजा के होवे ये तो बोल। अब बाप भी कटे से ढूंढ कर लावे है, सुनता ही दिमाग चक्कर खा जावे है, समझ में कोनी आ रहे है, बताना क्या हो यो। हाँ मक्का को सुट्टो। चल दूसरी पहेली पूछो। एड़ी चालू तेरी चालू, चालू कमर कस, ई पहेली का उत्तर दियो, रुपया दियो 10। बोल। बोला चल एक हिंट दे, ई हजारों में बन रहे हो गए। बोला अच्छा चल एक और हिंट दू, ठीक है। घर के ना किसी कोने में पड़ रहा है। बोल एक और हिट दी, जटा भी हो जावे ना बटर तो सफाई हो जावे। बोला कुछ भी समझ में को नहीं आवे। बुद्धू झाड़ू। झाड़ू। इतने दोनों मेरी बात सुनो। बचपन की हाँ संग सहेली सागे झूला झूला, मौसम चाहे कत्ता बदले एक दूजी ने नहीं भूला। Thank you.
झका का नाम सुनता ही लोगा की नींद उड़ जावे। मने लागे मालिक आज ते रात पर सोया कौन? ऐसी कौन सी बात है जो को थाने अत्तो परेशान कर रखे हुए? पूजा बोधू पूजा, हमारे रोम रोम में बस रही है। सोता जागता उठता बैठता पूजा का ही हमारे मन में ख्याल रहे। मालिक सूरज के चाना कीजिए आप, बात तो साफ है कि पूजा थारे दिल की धड़कन है, थारे मन की गणगौर है। हाँ बोलो, पूजा चाहे या ना चाहे पर बिना जीवन की रानी तो बनना ही पड़ेगा। जीवो नाम है मारो जीवो। देखो आपनी बेटी कति धार्मिक है। इस सारा संस्कार थारा ही दियोड़ा है रुक्मणी। जय साला सर जी बाबा। जय साला सर। घर आने को टाइम है। कटे कटे फोन नहीं करियो मैं। तने पता है ना? तेरी खबर नहीं हो तो मने फिकर होए। एक फोन ही कर सी। पापा 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 को कुछ तो ख्याल करती। पापा मैं तो थारे कारण ही पास के गांव रचाली गई ही। मने रामदयाल काका बोला कि बटे गौरी शंकर बैठी है। बाकी दवाई से थारी खांसी ठीक हो जाएगी। दो महीने से थारी खांसी ठीक को नहीं हो रही पापा। मैं तो कौशल्या ताई ने बोल के गई, वो शायद थाने बताना भूल गई। पूछो बेटी, मुझे माफ कर दे, मैं तेरी माँ ने खो चुकी हूँ। खोने को मतलब पतो है, मने मन में डर सो है बेटा कि तने ना खो दो। मुझे बेटी मुझे माफ कर दे। नहीं पापा नहीं, नहीं। आजकल नींद नहीं आवे राता में, सपना ही सपना समावे राता में, आखिर कोई जगा जावे राता में। ई का मतलब के है? मने तो डर लागे है। लागे है कुछ होन वालो है। ई का मतलब मैं समझ गई। चुपके चुपके आवेगो कोई राजकुमार, चोरी चोरी थारो दिल चुरावेगो कोई राजकुमार, हौले हौले थारी दुनिया बदल डालेगो कोई राजकुमार। पर मैं मारी दुनिया बदलने को नहीं दियो। पर प्रेम पर चालेगो न कोई जोर गोरी, जब आवेगो कोई चित चोर गोरी, टूटे से न टूटेगी प्रीत की डर गोरी। अब समझ में आयो, आख्या ही आख्या में क्यों हो जावे पार गोरी। ओके, हाल ताई पढ़ रही है, सो जा। बस मामा लास्ट लेसन है ये। अरे दिन में पढ़ लीजिए, रात बहुत हो गई है, सो जा। तू सो जा ना मम्मा, मैं अपने आप ही सो जाती हूँ। हाँ रात रात भर पड़ेगी, फिर दिन में लेट उठेगी। ओके बाबा, आई प्रॉमिस, मैं कल सवेरे जल्दी उठ जाऊंगी। ठीक है? ठीक है, जी हाँ तेरी मर्जी। दुखड़ा मिटा दे जो तेरा सब
अंजनी को लालो वो दीन दयालो। जय बालाजी, जय बालाजी के पंडित जी महाराज, आज के खुशखबरी लाए हो पधारे। आपनी भाई श्रद्धा बड़ी तकदीर वाली है। अरे सुसमन तकदीर वाला नहीं मिला। अच्छा, दो भाई है। हाँ। माँ को नहीं बाप है। अच्छा। घर को व्यापार है। हाँ। लड़को पढ़ो लिखो। अच्छा, तेरे लड़को देखने में तो शौक है। देखने में एकदम हीरो है। लड़को सुंदर है। हाँ। लड़को का नाम शरद है। तो लड़का ना कर दिखा रही हूँ। दो दिन बाद लड़को आ रही है, लेकिन देखें प्यारा क्यों लड़की। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, अब पधारो, जलपान करो, आओ। तो नहीं नहीं, मैं देरी हो रही है, मंदिर जाना है। मैं मंदिर पधारोगा? हाँ। अच्छा, जय बालाजी। अच्छा, जय बालाजी। श्रद्धा ने देखा ने तो छोरो आ रहे हो है। श्रद्धा की बोलती तो बंद होगी, अब तने जो बोलना होवे बोल दे। देखो जी, मेरे तो ज्यादा बोलने की आदत थोड़ी, मगर बिना बोले चालो के नहीं। देखण ने छोरो श्रद्धा पावे को और लड्डू मारा मन में फूट रहा है। रोटी सूखी खाई के ठंडा पानी पी, देख पर आई चूपड़ी मत ललचावे जीव। छोड़ रे राम भाई, की मस्करी कर रही है। मेरे पांजो तो धक धक कर रही है, वो मने मनो के पूछोगो। देखो जी, मेरी तो ज्यादा बोलने की आदत कोनी, मगर बिना बोले चाले के नहीं। तुझे देखते ही वो कुछ पूछना तो दूर पागल हो जावेगो। अरे तारी जैसी सोनी छोरी दीवो लेकर ढूंढेगो तो भी नहीं मिलेगी। हाँ जी, बात करना, खाना एक पहेली पूछो। पहेली एक आखरी आखरी ना, बाकी बात तो ब्याह हो जाओगे ना। ठीक है। चार आंगल की बीननी, ढाई हाथ का बीन, आगे आगे बीननी, लारे लारे बीन। वाली भाभी ने ठीक से देख लीजिए शरद, कदे राधे श्याम का खाली या नहीं हो जाए, कर लुगाई चक ढचक करती आई। देख श्रद्धा, तू भी ठीक से देख लिए, कदे राधा काकी की तरह नहीं हो जाए कि छोरो काड़ो निकलियो। ए जी, मारो छोरो तो तारे सामने आंखिया फाड़ फाड़ कर देख लियो। ए, तुम्हारी छोरी भी थारे सामने बैठी है, ओलंपिक में भाग भी सके और थारा जवान भगा भी सके। हाँ। भाई शरद, मेरो तो एक ही बात कहनी है, आके तीन चीजा से बचकर रहिए। पहली तो आके स्माइल पर कदे ही मत जाजे, कद पिघड़ जाएगो बेरो ही कुनी पड़ोगो। और दूजी, आके आंखें में कदे ही मत देखिए, कद दीवानो हो जाएगो बेरो ही कुनी पड़ोगो। और तीजी, आके स्टाइल पर कदे ही मत जाजे, कद घायल हो जाएगो बेरो ही कुनी पड़ोगो। और आजकल का छोरा कम है के छोरी देखता ही पिघल जावे है, और बगल में छोरी होवे पीछे भी दूजी छोरी करने आंख लड़ाते रहे। देखो जी, मारी ओबाली भाभी ने छोड़कर ते दोनों अठे बैठी हो, अगर कोई से भी आंखें मिलाई तो बताओ। देखो जी, मेरी ज्यादा बोलने की आदत कोनी, मगर बिना बोले चाले कोनी। मैं कैसे मान लू खेते आज तक कोई छोरी ने देखा कोनी। ये बात की गारंटी तो मैं ले कि मेरो भाईलो आज दिन तक कने आवाज उठा कर देखियो। थारी आवाज में तो दम है। ये दमदार बात पे थे, मेरी एक पहेली सुलझाओ। हाँ हाँ, पूछो। छोटी सी तलाई, बी में नहाए गुटिया नाई, बोलो की होवे? गुलगुलो। आस्ता जी, बया मेरी ज्यादा बोल बाकी तो आदत कोनी, पर बिना बोले भी चाल ले कोनी। नहीं है कुन लगे कि आपा दोनों ही कम बोला। अरे ये बात मत दम है। और मने लगे कि माके लड़को लड़की ने पसंद कर लियो है। मने भी लगे है कि लड़की ने लड़को को पसंद कर लियो है। मैं ना सुने ना मिला होगी मलड़ेरी बात, दिनों को कट जावेगो कईयां कटेगी रात। यार अनिल, यार बात तो सुन। बोलना यार। लोग बेफिजूल में प्यार लव मैरिज की बात करे, मारे हिसाब से तो अरेंज मैरिज के बाद भी प्यार हो सके, यह मने पता चल रहा है। यार मने श्रद्धा बहुत पसंद आ गई। हाँ, आस्था भी मने पसंद है। मेरा मतलब है कि भाभी भाभी मने पसंद है। हाँ हाँ, चोरी पकड़ी गई थारी, आस्था पे थारी आस्था आ गई है। नहीं नहीं,
ऐसी कोई बात को नहीं, अब क्या है कि अब तेरा ख्याल भी रखना जरूरी है ना। अब तू अति दूर आवोगो जाओगो, अकेले किसे बात करोगे, इसलिए मैं सोचो कि मैं तेरा साथ दूं। ये दोस्त को इतना ख्याल पहले तो कदे को नहीं आयो, अब इतना प्यार क्यों आ रही है? अब क्या है कि भाई मेरी ज्यादा बोल बाकी तो आदत को नहीं, पर बिना बोले भी चल को नहीं। अब तू देख तेरा हर दुख में मैं साथ दी हूँ, और तू जब अकेले फिल्म देखना जातो तो तेरे साथ मैं जातो, जब तू कूणा में बैठ कर सिगरेट पीतो तो तेरे साथ मैं देतो, और जब जब तू कॉलेज की छोरिया ने छेड़ दो तो तेरे साथ मैं देतो, और तेने याद है जब तू भी कमरा का मानवा एक फिल्म दिखाई, इसलिए मैं सोचो का तेरा सबसे बड़ा दुख में तेरे साथ मैं दूंगा, और ई गाँव में मास्टर से शादी करूँ। चल अब ई दुख में एक पहेली को जवाब दे दे। पहेली? हाँ पहेली। तीन अक्षर को मेरो नाम, उल्टो सीधो एक समान। तीन अक्षर? अरे यार तेरी ये पहेली के चक्कर। जटा तक पहेली को जवाब नहीं देगो मैं तारा से बात को नहीं करूँ। लेकिन अया तो भाभी पूछा करती, अब लागे है जवाब देना ही पड़ेगो। तीन अक्षर को डालडा डालडा। ये बात है, दिमाग तेज हो गया तारा भी। हाँ यार, पर यार शरद तेरी तो अरेंज मैरिज है, तेरे लिए तो भाभी ने घराड़ा पसंद करी है, तो मेरी तरफ से कौन बात करोगे? तू बोले तो मैं बात करूँ? अरे नहीं नहीं यार, तो बना बना काम और बिगाड़ देगा। क्या बात कर रहे हो, हमारा पे भरोसा कौन ही था ना? अरे जिया शोले पिक्चर में जय गयो बीरू के लिए बसंती को हाथ मांगवा, या मैं जाऊँ थारो हाथ मांगवा बसंती को? बसंती नहीं आस्था। हाँ आस्था को हाथ मांगवा जाऊंगा मैं। देख रहे हो? हाँ, देख रहे हो कि जय जिया मौसी के पास गए होगी, मौसी लड़का तो बहुत अच्छा, अब क्या है कि वो कोठे पे तब जाता है जब दारू पीता है, और दारू जब पीता है जब वो जुए में हार जाता है। अबे जय ने पूरा काम बिगाड़ दिया था, मेरा भी काम बिगाड़ेगा क्या? देख सोच ले एक बार। यार यही सोच रहा हूँ कि अब तो भाभी को ही पटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर भाभी पट जाएगी तो भाभी भैया को पटाएगी, और अगर भैया पट जाएंगे तो हे दोस्ती ला रा 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 रा। तो मतलब भाभी को पटा लेते हैं। भाभी 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 मेरी प्यारी भाभी, मेरी चौकी भाभी, मेरी सुंदर भाभी। अब आगे भी कहीं बोलोगा? भाभी देख तो फोटो। भाभी फोटो देखी? देखी थारे वास्ते अति सुंदर देवरानी पसंद करते हैं। देवरानी थे पसंद करोगा मारा खाते? नहीं नहीं भाभी, अब पसंद तो थे ही करेगा, पर सुबह से काम करता करता थे थक जाओ, अब कथा परेशान हो मन चौक फोन लगे भाभी, ये वास्ते थारे लिया देवरानी पसंद कर लेंगी। मैंने पटा रिया वो? नहीं नहीं भाभी, अब सुंदर देवरानी होगी तो भाभी भी इज्जत बढ़ेगी, लोग बाग बोलेगा कत्ती सुंदर देवरानी है, जच्ची सुंदर जेठानी, अब बसी सुंदर देवरानी। पण ये आके हां कर दूं मैं? और थे तो थारा दोस्त रे वास्ते लड़की देखने गया था, बट यहां कोई लड़की पसंद आ गई, और थे चाहो हो कि मैं भी ना देवरानी बना के घर ले आऊं? अरे ना कोई खानदान रो पतो, ना भी रे स्वभाव रो पतो। भाभी स्वभाव तो समझ ले तेरा जैसा ही है, अब रही खानदान की बात तो खानदान की तो राजपूत है, और राजपूता का ठाट तो थाने मालूम ही है कि आन हुआ के बान हुआ और क्या शान हुआ। पर थारे भैया से बात करनी पड़सी। भाभी ते जैसा कपड़ा पसंद करो भैया पहरे, अब ते जसो खानो बनाओ भैया खावे, अब ते जी उंगली पर नचाओ भी नाचे, मेरा मतलब है कि ते जी उंगली से नजारा दिखाओ वे देखे, ते जैसी देवरानी पसंद करेगा वे हाँ करेगा। देख तो भाभी अति सुंदर सुशील है, सेम टू सेम थारे जैसी। ठीक है, कुछ करनो पड़सी, कुछ सोचनो पड़सी थारे भैया के पटान के लिए। थारे तो ये भाई हाथ को खेल है। सब समझू हूँ, के दायो और के भायो। फोटो में कितनी सुंदर लाग रही है छोरी, ऊंचो माथो, सुंदर नाक, आँखा में शर्म, मेरी फोटो देखकर थारी माँ भी यहाँ बोली थी। भाभी अब थाने
क्या मालूम पड़ो के मारी माँ के बोली है? अरे थारे भैया ने मने बतायो थो, थारा भैया मने बोलिया कि छोरी के संस्कार जानना हो तो बी की आँख में शर्म देखे। आ बात तो भैया ठीक ही बोले। लड़की का खानदान भी कितना ऊंचा है, राजपूत है, उसके आन बान शान है बी की, और नाम भी कितना चोखो है, आस्था लागे है भगवान में घनी आस्था है छोरी की। हाँ हाँ बहुत आस्था है। मारी तो इच्छा यो हुए है कि को फोटो में देखती रूं देखती रूं, और कितनी सुंदर छोरी है, और फोटो में इतनी सुंदर है तो सामने कितनी सुंदर लागेगी, कोई मूरख ही होसी जो अय्या की सुंदर लड़की को रिश्ता ठुकरासी। पर भाभी अब बिना आख्या के सामने देखे ही कोई कहां आकर सी, अब फोटो से के बिरो पड़े। थारी मां मने कठे देखी, मारी फोटो देख के तो मने पसंद की थी, देखने वाले की नजर तेज होनी चाहिए, थारे भैया की नजर तो बहुत तेज है। मैं कितना भी नाटक कर लो मेरी तो ना है। हाँ, और मेरी ना में ही हाँ है। भैया भाभी कितना चोखा हो। चोखी देरानी लाने के वास्ते भैया भाभी के चोखी बोल रहे हो है? हाँ? सब समझू भाभी। भैया और भाभी परियां की सो देवरानी ने छावे है, पहले मेरा भैया और भाभी बाद में लूंगा। के बात है ते चक्कर क्यों काट रहा हो, कोई परेशानी? परेशानी की तो बात ही है श्रद्धा की माँ, दो दिन होगा लड़को श्रद्धा देकर गए तो, और हालतानी कोई हाना कुछ जवाब ही को नहीं आया। ते चिंता क्यों कर रहा हो, आज तो जोड़िया संजोग है, जटे संस्कार है बैठे ही होसी, साला सर जी सब ठीक कर सी। फोन। हेलो जी, मैं किशन बोल रही हूँ। नमस्कार जी। नमस्कार, मैं आपका फोन को इंतजार कर रही हूँ। के आस्था पसंद आएगी अज, लेकिन मैं तो मारे लड़के श्रद्धांत दिखाई ही। अच्छा अच्छा, अनिल ने आस्था पसंद आगी और शरद बाबू ने श्रद्धा पसंद आगी। देखो मैं आपने बताऊं, अनिल बाबू ने मैं बचपन से जानू हूँ, वे जयपुर वाला जी का सीताराम जी केड़ी है वहाँ का ही तो लड़का है। हाँ, और जावरमल जी ने मैं खुद बोले हो कि देखो आस्था और अनिल बाबू की जोड़ी कितनी सुंदर लाग रही है, है? लेकिन वे बोलिया कि पहले श्रद्धा की सगाई तो हो जाने दे, बी के बाद में दुनिया को ब्याह सागर कर देंगा। नहीं जी, कोई परेशानी की बात नहीं, खुशी की बात है, मेरी तरफ से तो आप समझ पक्को ही समझो। हाँ, लेकिन एक बार जावर जी ने मैं जरूर बता दूँ, बाद से बात कर लूँ। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। बधाई हो श्रद्धा की माँ, श्रद्धा को ब्याह पक्को हो गो। मैं तो थाने पहले ही बोली थी अब दोनों को ब्याह सागे ही हो जावेगो। मैं तो बाबा के द्वार पे प्रसाद चढ़ाऊंगी और सबने मिठाई बांटूंगी। बांटो बांटो। मने को नहीं खानी मिठाई। हाँ, इको मतलब तू मारे ब्याह से खुश कोनी। देख पूजा, तू तो जाने है मेरी ज्यादा बोलने की तो आदत कोनी, मगर बिना बोले चाले कोनी। 15 दिन बाद मैं दोनों शादी करके सासरे चला जावंगा, बाद में भैलिया के हाथों से मिठाई खानो तो दूर, बाता करने को भी तरस जावेगी। हाँ। अरे बाग में अकेली कोयल की तरह घूमती रहेगी। हाँ तो ठीक है ना, सारा गांव मेरा, सारी बगिया मेरी। हाँ? सारा पेर मेरा, सारा झूला मेरा। इको मतलब तू उठे मजा करेगी। हाँ तो तू इठे रानी बनकर बाग में घूमेगी। सुना महल माँ एकली रोती आंसू बहाती रानी, जिके लिए गांव की छाया भी धूप होवेगी, सारा बैर बेरी होवेगा, सहेलिया ने जो भूले वो सावन का झूला ने भूले, बाग आग लगावेगा। चिंता क्यों करे बावड़ी, अरे साला सर जी की बनावड़ी जोड़िया की तो हर चीज सागे ही हुए है। तो है आज ही तेरे लिए मुंबई से रिश्तों आये हुए। मुंबई से? हाँ मुंबई से। पिछले साल मैं और पूजा इकी ननिहाल में ब्याह में गया हा, पठई पूजा ने देखी, बा ने पूजा पसंद आ गई, छोरे को नाम है पुनीत।
क्यों पूजा, पसंद है ना तने? पूजा अठीना के है भाया? अरे आओ तो सही। हमारा दोस्त है पुनीत, मुंबई से आया हूँ। आ है पूजा, ये दोनों बाता करो, मैं मारा कोई मेहमान आ पड़ा है, बन लेबा जाऊं स्टेशन, ठीक है? बाता करो। भैया तो मैं नास्तिक हूँ, पर जीवन में पहली बार थाने देखकर आस्तिक बनवा की इच्छा हो रही है। के मतलब? मतलब ये कि पूजा करवा की इच्छा हो रही है। होठ गुलाबी, नैन शराबी, मदरी मदरी चार, देख कर थारो चांद सो मुखड़ो, पुनीत हुयो बिहार। पाक को तो उड़तो पंछी, छूटा गावे की, जन्म जन्म को साथ निभावे, वो ही साचो मी, समझा? मैं चाली। ए, कठे खोई गई, पाचिया पाचिया। अंकल ते तो जानो मेरी ज्यादा बोलने की तो आदत कोनी, मगर बिना बोले चाले कोनी। यो नाम तो पूजा के मुँह से मैं घनी बार सुनियो है, क्यों श्रद्धा? हाँ मैं भी सुनियो है। बस बेटा एक ही प्रॉब्लम है, बे ब्याह अगले ही सावे यानी 15 दिन के बाद ही करना चाह रहे हैं। मारे से भी 15 दिन पहले ही। हाँ बेटा या तो बाबा की मर्जी है। अच्छा बेटा मैं चालू, सारी तैयारियां जो करनी है। तू तो मारे से भी फास्ट निकली, मारे से भी 15 दिन पहले ब्याह करके चली जावेगी, भाईलिया को अकेली छोड़कर। एक तो गांव भी थारा, पैर भी थारा, जिला भी थारा, और अब तो आंखा बीमारी, आंसू बीमारी, आला बीमारी। मालिक मालिक बहुत बुरी खबर है। अरे जीवा के जीवन में कोई भी खबर बुरी खबर नहीं होती, जीवो नाम है मारो, जिके नाम से मौत को भी पसीना आ जावे। बेधड़क बोल, जाको नाम थारे दिल में धड़के है। पूजा क्यों हो? पूजा को जल्दी बोल, पूजा को ब्याह हो रही हो? नहीं, यह तो बहुत दूर की बात है बुधू, पूजा के रोम रोम में जीवा आपको नाम लिख देगो, जीवा के अलावा गांव में दूसरी बार नहीं आ सके। भैया थारो फोन आयो है। तो बोल दे मकुनी। बोल दो कोनी। हाँ हाँ बोल दे मकुनी। सच में बोल दो कोनी। हाँ बोल दे ना, एक बार बोलियो ना कोनी तो कोनी। अच्छा बात आ है कि मारो भाभी को फोन है। तो भाभी ने भी बोल दे कि मैं कोनी। थारो भाभी री नहीं, मारो भाभी री फोन है। तो भी ने भी अब आज तक है तो पर जल्दी दे ना। पहले वादा करो कि मुझे पिक्चर दिखाओगा। हाँ पिक्चर दिखाऊंगा तने, ले जल्दी कर। और सलवार सूट दिलाओगो? सलवार सूट भी दिलाऊंगा तने, तू जल्दी कर ले। पिज्जा खिलाओगो? ओहो मेरी माँ तने सब क्यों दूंगा, अब तू अब जा। हाँ हाँ आस्ता। जींस भी दिलाओगो? हाँ जींस भी दिलाऊंगा। आइसक्रीम भी खिलाओगो? ओ तू जाना। हाँ आस्ता आस्ता, मत तने ही कागज लिख रही हो, तारी याद आती आ रही के तो मिल को नहीं सक्या, कागज से ही थारा करीब आ जाऊं, थारो वो बोल लो तो मेरी ज्यादा बोल बाकी तो आदत को नहीं, पर बोल ले बिना चाल भी को नहीं। देखो जी मेरी ज्यादा बोलने की आदत को नहीं, बिना बोले चाल भी नहीं। हाँ बहुत चुका लगे। बाबूजी अया उदास क्यों खड़ा हो? कुछ नहीं बेटा, तन ही यही लगे है। मैं मारा बाबूजी ने को नहीं जानू के, माँ के जाने के बाद इकट्ठा एकला हा, पर जिंदगी भर मैंने माँ की कमी को नहीं महसूस होने दी, उदासी और आंसू हर दम मारा से छुपाता रहा। थारे चेहरे की एक एक परत ने पहचानू हूँ मैं बाबूजी, बोलू ना के बात है, माँ की याद आ गई के? तारी माँ मारे से दूर हुई कदे, जब की याद आवे आ तो हरदम हमारे पास है तेरे रूप में बेटा। एक तरफ तो मन में बहुत खुशी है कि थारो ब्याह हो रही है, तो एक अच्छा बड़ा परिवार में जा रही है, एक बड़ा शहर मुंबई में जा रही है,
तो दूसरी तरफ मन में एक डर भी है बेटा। डर? किसो डर? तू एक छोटा सा गांव से मुंबई जिया बड़े शहर में जा रही है बेटा। मुंबई जिसके बारे में लोग कहवे हैं बस सपना की नगरी है, बटे लोग सोनो नहीं चाहे हैं, बटे लोग खुली आंखें से सपनों देखे हैं, सपनों में सोनो चांदी दौलत, बटे लोग भाग रिया है, ये भाग दौड़ में कई रिश्तों नहीं छूट जावे बेटा, बस यही सोच के डर रही हो, तेरी माँ ने तो खो चुकी हो, अब तने भी बड़ा बड़ा शहरा में बड़ी बड़ी बाता होंगी पर थारी सुखाड़ी छोटी छोटी बाता में कोनी भूली। बड़ों को आदर, छोटा ने प्यार, रिश्ता नाता को सम्मान, अब मैंने विश्वास है बाबूजी थारी देड़ा संस्कार से मैं हर जगह खुशियां ही खुशियां पाऊंगी। मारी लाडली, ये तो मारी सारी चिंता ही दूर कर, चुप चुप जियो। हेलो शरद। हाँ मू। मैं ना थाने पहले ही बता दी हूँ कि ना बात कम करनी है, लंबी बात कर रहे से मम्मी गुस्सा हो जावे। लंबी लंबी दूरियाँ, लंबी लंबी बातें, फिर छोटी कहिया हो गए प्यार की बात। मैं को नहीं जानू, बात कम करनी है। मैं तारे से एक पहेली पूछू? अबे यार पहेली बीच में कटे से आ गई। मेरे साथ ब्याह रचाओगे तो पहेली तो बीच में आएगी। ये पहेली में दो सवाल है और एक जवाब। श्रद्धा पहेली बाद में? नहीं पहेली अभी। मुसाफिर उदासा क्यों, घोड़ा प्यासा क्यों? बोलो ना श्रद्धा। देखी पहेली को जवाब तो मैं ही जन्म में कोनी दे सकूं, और वैसे भी तय मैंने की है कि बात छोटी करनी है, अब तू ही बता बात छोटी है कि बड़ी। ठीक है मैं थारे से अब तभी बात करूंगी जब थे माने ई पहेली को जवाब देगा। श्रद्धा ओके बाय। फोन काट दियो, अच्छा मौको तो बात करवा को। था मुंबई से बोल रहे हो? हाँ जी हाँ जी। ओ यह सुन के तो बहुत दुख हो। हाँ 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 जी हाँ जी हाँ जी। रिश्ते में मौत हो जावे तो सूतक तो लाग ही जावे। हाँ जी हाँ जी। या तो भगवान की मर्जी सा, जज जज जो होनो है होके ही रहवे। हाँ जी के ब्याह को मुहूर्त 15 दिन पाछे टाल दियो है? कद असो सुधी पांचम ने? ओ हाँ जी हाँ जी ठीक है जी, 15 दिन पाछे ही सही। हाँ जी हाँ जी। जय श्री कृष्ण। जीवन में तीनों सहेली सागे बड़ी हुई हैं, सागे पढ़ी लिखी हैं, सागे खेली कूदी हैं। अब साला सर जी की यही मर्जी है कि तीनों को ब्याह भी एक ही दिन एक ही सागे हो। जय साला सर जी की।
ठहरो। मुंबई में मेरी जान बचाई है और मैं तो जाने भगवान को रूप मानू। आज मेरे हाथ से अन्याय हो जाता, आज मेरे हाथों से मेरे देवता की मूर्ति खंडित हो जाती। पुनीत बाबू, जीवन दाता को जीवन में कहीं खराब कर सकूं। आज सुपूजा मेरी बहन है और मैं भी को भाई हूं। भगवान आपको जोड़ो अमर रखे। देखो जी, मेरी तो ज्यादा बोलने की आदत कोनी, मगर बिना बोले चाले कोनी। ना कोई मुंह दिखाए, ना कोई बात, या क्या की सुहागरात। मुंह दिखाए पे मारी तरफ से यो हीरा को हार भे। ए हार को मैं की करसू, थे मने थारे हिवड़े को हार बना कर राखू तो जानू। ए हार में तो जीती जीता मारी दिल हार कर दुनिया जीत ली मैं सारी। मारे लिए तो सारी दुनिया एक तरफ और थे एक तरफ। एक पर एक पहेली पूछो। पूछो। मिलन से ज्यादा मजो इंतजार में, खुशी से ज्यादा मजो तकरार में, या कि कौन सी चीज संसार में। प्यार, प्यार ही प्यार। प्यार को जोड़ो, प्यार ने जोड़ियो, बहुत हो गयो तो थोड़ो थोड़ो। इब थारी सागी ही जीवन मारो, इब माने मंजिल पर पहुँचाओ या रामे छोड़ो। घूंघट में चांद है या चांद में घूंघट है, जिंदगी का मुखड़ा पर ये बागी मुस्कुराहट है। थाने पाकर में निहाल होगो गोरी, थारे आगे या दुनिया लागे थोड़ी। थारी काली जुल्फा मा मारो दिल हिल रखा हुआ है, गोरी अब तो आजा बाहों में मारो जोड़ो बुला हुआ। उठो ना, उठो ना, दिन सिर पर चढ़ायो, सोना देना। उठो ना, माजी तने बुला रहा है। माँ बुलाओ। हाँ। अठीना, अठीना आना। क्या हुआ यो? अरे वो कन्या। जल्दी बोलो, मेरी माजी ने जाके चाय देनी है। यू क्या लगा रखो गाल में? अब आर तो ना कर रही हूँ। क्या बात कर रहे हो? दिखा। चीटिंग, चीटिंग। अरे प्यार और लड़ाई में सब जायज है, समझी? अजी उठो जी, उठो भी। सुबह थे ना। अरे बाबा दिन चढ़ गयो, उठो। दिन तो रोज ही चढ़े है, तू भी सो जा। बिना बादल की बारिश कट सोगी। देखो मेरी ज्यादा बोलने की आदत को नहीं, मगर बिना बोले चालो की नहीं। हमारे गांव में बोले है देरी से उठने की आदत अच्छी को नहीं। धन्य है भगवान, धन्य कोई कौन जीत सके। वो तो है, न मन्ने कोई बाता मत जीत सके, ना ही कोई दौड़ में। और भी दौड़ में तू अकेली भागती दिखी। हाँ, के बोला? सदा कहना वाला सही कही है। कही? घर संसार लुगाई कभी न अधूरी है। वो किया? जब से तुम्हारा जीवन में आई है हर चीज कंप्यूटर का जो रेडी मिला है। नहीं तो के? नहीं तो कमीज ढूंढवा में आधो घंटो लाग जातो। श्रीमान पति देव, अब जल्दी से रेडी हो जाओ। हाँ? नाश्ते की टेबल पर सब लोग इंतजार कर रहे हैं। जल्दी से बटन तो लगा दे। बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय।
बाय, अब जाओ भी। कहे जाऊं, तू अजू भूल गई के? अब मेरो तो भूलना को स्वभाव है, पण तन्ने तो याद रखनी चाहिए। पण के? अब तने इतरो भी बेरो कोनी कि पति ने ऑफिस कहे भेजनो छे। देखो जी, मेरी ज्यादा बोलने की आदत कोनी, मगर बिना बोले चाले कोनी। अगर मैंने कुछ गलती कर दी हो तो माफी मांगू। या हुई ना कोई बात, अब भूल इतनी नाजुक है कि इतनी दूर से नहीं बता सकूं। थोड़ी कन्ना आया सी बताऊं? और कन्ना? और कन्ना? अरे छोड़ो की, घर में कितने काम पड़े हो, छोड़ो मने, अब जाओ भी। बाय, शाम को जल्दी आ जाओ। तू बोला तो जाऊं को नहीं, क्यों छुट्टी ले लूं के आज? मेरो मतलब है ऑफिस से सीधा घर आ जाओ। और खटा जाऊंगा, अब तो घर के सिवा मन ही को नहीं लागे। सारा दिन ऑफिस में बैठे बैठे घड़ी देखो करूं कि कद 6 बजे और कद छुट्टी मिले और कद तेरे का नाम। सुपातर बिन को यही लक्षण होया करे है। तू सुपातर बिन ही नहीं, मैं सुपातर बिन। क्यों ठीक है ना जोड़ी? जाओ भी, अब जल्दी जाओ ना, भैया बाहर गाड़ी में इंतजार कर रहे हैं। जा रही हूँ, जा रही हूँ, धक्को क्यों देवे? अच्छा ठीक, अब के रह गयो? एक चीज तो भूल ही गयो। ओके, एक पप्पी दे देना। जाओ ना, जैसा जाओ। अरे छोटी सी दे दे। जाओ ना। ठीक है अब आ तो जा रही हूँ, लेकिन सांझे आने ब्याज समेत वसूल कर लूंगा। ठीक है, ठीक है। हाँ सिंगानिया जी, के ऑर्डर डबल कर दूं? माल थाने बहुत पसंद आयो, आते चिंता मत करो, मैं काली थाने माल भिजवा दूंगा। भैया वह सुने थे आपने तो तकदीर ही चमकी, अहीं अगर ऑर्डर पर ऑर्डर मिलता रहिया तो आपा तो माला माल हो जाऊंगा, लक्ष्मी आपन पर मेहरबान होगी। अरे लक्ष्मी आई है, अरे बहू के रूप में। थे फेर काम कर रहे हो? तू मैंने कोई काम कर देसी कि नहीं? नहीं, थे ही घर की बड़ी बहू हो, बड़ी बहू बन के रहो। तेरे से माथा लगानो मेरे बस को कोनी। बहू तेरे आने से कम एका ओलमा तो कम हो गया। ये बात तो साची है, देवरानी के घर में आने से उजालो हो गयो। अभी तो पछे बिजली कटा देंगे। क्यों? अब उजालो तो आज तक घर में आवा के कारण होईगो, पछ बिजली का फालतू पैसा क्यों काटा? क्यों भैया? आस्ता तेरे आयो पीछे तेरी भाभी एकदम टुनटुन हो गई है। भाई साहब, भाभी बैठे कटे रहे, थारे ऑफिस में जाते ही घर नो पूरो काम करे है, बाहर शॉपिंग करने घूमने भी तो जावे। इले पासबुक घाटो दिखा रही है। अरे थारे पासबुक घाटो क्या दिखा सके है? अरे जब से ये घर में आई हूँ तने बस काम करते हुए देखू। आस्था जाने है, आस्था थारा जेठ जी ना मैंने कभी घुमाने फिराने को नहीं ले गया, पिक्चर दिखाने को नहीं ले गया। जब से मारी देरानी घर आई है ना, तुम्हारा दिल रा अरमान पूरा कर रही हूँ। पर मैंने एक बात समझ में को नहीं आई, जब आने अतरुक शौक है घूमने को तो फिर थाने क्यों नहीं घुमायो? एक तो इन्हें दोस्ता के सागे घूमवा से फुर्सत को नहीं, और दूसरा इन्हें अपनी भाभी ने घुमावा से शर्म लगे है। ये बात करो भाभी से। अरे हूँ तो मजाक कर रही हूँ आस्था, ये दोनों भाई ने ना व्यापार के अलावा कुछ सूझे को नहीं। सूझे है ना आज चंपा, हरदम भैया ना इका ब्याव की चिंता सताती रहे, व्यापार की कम और इका ब्याव की बात ज्यादा करे। पर माँ अभी ब्याह को नहीं कर। क्यों, जिंदगी भर के माने यही सताती रहे की के ये भिन्न भी तो सता जिस जो तेरो भिन्न बनेगो। देखो ना भाभी, भैया के बोल रहा है? अरे ठीक ही तो कह रहा है, अरे भैया तो यूं ही कहता रहे वे आस्था के आया पीछे तो हमारा घर में घनी बरकत होगी है। इन्होंने तो अभी यही बात री चिंता है कि चंपा के लिए चोखो सो छोरो मिल जाए तो इरा ब्याव करना। ये तो यूं ही कहता रहे वे कि अइया ब्याव करूंगो, अइया ब्याव करूंगो। सारो गांव देखतो रह जाए।
भूल चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे मेरे, मैं के तो भेजो संदेश। देख लेसी तो देख लेसी, मैं कोई तने भगा कर थोड़ी लाया हूँ। मैम साहब पूरा समाज के सामने साथ फेरा लिया है, ब्याह कर लाया हूँ। तो सब ठीक है, पर ऐसे कोई तीसरो भी है जो जो हमारी सारी बातें सुन रही है। कोई तीसरो भी है? पर आपा तो या के सिवा मन तो तीजो को दिखे को नहीं। थे भी ना, पुतु यो। तेरो मतलब मैं बाप बनवा लूं? ओ श्रद्धा श्रद्धा, मन लगे मैं खुशी से पागल हो जाऊंगा। छोड़ो ना, कोई देख लेगो। बहुत अच्छी जगह है, बहुत मजा आयो। अच्छा और बोल पूजा, तने कटा कटा घुमाओ। थारी आँखा में तो सारी दुनिया देख ली मैंने। अच्छा और मैं तेरी आँखा में अपनी दुनिया देख ली। देखो जी, मेरी ज्यादा बोलने की तो आदत कोनी, मगर बिना बोले चाले कोनी। सच्ची बात तो आ है कि ब्याह के बाद मैं थारे साथ घर में कम बाहर ज्यादा घूमी हूँ। अजी थी चीज बड़ी हो, मस्त मस्त। अब देखो थारा सागर उदयपुर घूमे हो, जोधपुर घूमे हो, जयपुर घूमे हो, और जी करे बस घूमते ही रहूं। अच्छा जी, और ब्याह के पहले क्या करता? ब्याह के पहले घर और घर से व्यापार। अभी मैं पतो ही को नहीं चलो कि इस दुनिया में थारा जैसी तीसरी कलरफुल चीज भी है। आज तक जैसे तू मेरी जिंदगी में आई है, मेरी जिंदगी ईस्ट मेन कलर से दिख रही है। मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि मैंने थारा जैसो बहुत प्यार करने वालों जीवन साथी मिले, और घर में लाड दुलार करन हाला भैया भाभी। मारा जीवन में तो खुशियों की बाहर ही बाहर है। अठे तक की मैंने वे पियर की भी याद ना आवे। मैं वादो करा कि थाना पियर की याद आपा भी कौन दे। भैया, हमें लोग छुट्टियों में बाहर जावन चाहवा। ठीक है भैया, लोग कश्मीर चल जावा। ठीक है भैया, अनिल भैया ने भी साथ ले जावा। ठीक है, पर अनिल भैया तो आस्था भाभी के बिना को नहीं जावे, बानी भी साथ ले जावा। ठीक है, देवरानी जावन को नहीं, जिठानी के बिना माने भी साथ ले जावा। ठीक है, और जेठानी को नहीं जावे, जेठ के बिना बानी भी साथ ले जावा। ठीक है, बस कोई बोलियो थोड़ा ले ना। अच्छा थोड़ा दे दे, बस बस। माँ जी थोड़ा पालक पनीर दियो। नहीं बेटा, मन ने तो तू भिंडी की सब्जी दे, भिंडी की सब्जी तो बहुत चोखी लागे। पीछे तेरे हाथ की सब्जी तो इतना स्वाद लागे कि दिल करे के खाती ही जाऊं। बाबूजी आपने भी दियो। बस बेटा पेट भर गया। क्यों नाश्तो ठीक को नहीं बनियो? भिंडी ठीक ही नहीं, बहुत स्वाद बढ़िया हो। जैसे ही दो पराठा खाएगा, हमारे हाथ से तो सदा एक ही खाता। हाँ बेटी, तेरे हाथ का पराठा खाया पीछे मैं भी अपने आप में जवान महसूस करी हूँ। तो पाछो नौकरी पे चले जाओ, बोल दियो रिटायरमेंट पाछो देने आए। अरे माँ, बाबू जी जिंदगी भर नौकरी करी, घर चलाया, मैंने खिलायो पिलायो पढ़ाया, अब तो यहाँ का भू बेटा का दिन सुख भोगना का है। आना काम करने थोड़ी जरूरत है, अपने आप को बेटो कमा रहे हो। हाँ बेटा तू ठीक बोले, बेटो कहने में चाल ले, बीड़ी सुपाता रहेगी, माँ बाप ने बुढ़ापे में और के चाहे। हाँ पुनीत की माँ, बहू के घर में आने से घर में उजाले हुए हो। बेटा तो बहू बहुत चौकी लाया। अरे माँ, बहू तो थारी पसंद की है ना। आपकी लुगाई से मिलवा आया हूँ रसोई में। मुलाकात है ना, अठाई को नहीं होगा हमारी रसोई में।
थे के जानो कतरा दिल जले है रसोई में। दिल मिलना अठा को नहीं चला, अठा तो खाना बना है हमारी रसोई में। क्यों सुंदर सुंदर सपना पके थारी रसोई में? ये सुंदर सुंदर सपना दिखा के ना माने बुद्धू ना बढ़ाओ हमारी रसोई में। हाँ हाँ कतरी प्रेम कहानियाँ बने थारी रसोई में। पर थारी दाल ना अठा को नहीं गाले की मारी रसोई में। थे के जानो आपने सामे तो बड़ा बड़ा लोहा पिघल गया, तो तू के चीजे जो भी होगा बाकी वर्कर को लेके आओ। चलो चलो ठीक है, चलो वो काम कराओ तुम, ठीक है ना सर? अरे पुनीत, अरे भाई जी, अरे कटे यार तू, अरे आजकल ब्याह यहाँ पे तो मिलने जुलने बंद कर दे यार। अरे काम काज में इतना बिजी हूँ, समझा करो, एकदम परेशान हो रखा हूँ। मैं तो बार घर आ गया जाना, पूजा बताई साइड पर ही। चल छोड़, और सुना ब्याह की जिंदगी क्या चल रही है? चल रही है, दौड़ रही है, और सब तेरा कारण। मेरा कारण कहीं बात करे यार? अरे भाई जी तू ही तो जो मैंने पूजा से मिला है, तेरा कारण ही तो मेरी पूजा मेरी जिंदगी में आई है, और तेरा कारण ही मेरी जिंदगी में प्यार को फूल खिलवा। देख भाईड़ा बात ही है, जोड़ी तो ऊपर आलो बना रखे, नीचे आला तो मैं निमित मात्र हुआ करा। निमित में कुछ कौन, तेरा कारण ही मेरी जिंदगी में प्यार को फूल खिलवा, और तू तो मेरी जिंदगी जाना ही है यार। क्या थी धूल माटी कंकड़ सब कुछ। बस मारो गुणगान बखान कर वो बंद कर, लगे जी ज्यादा ही चैन की बंसरी बजा रहे आजकल। अरे भाई जी मैं तो बड़ो आनंद मारो, बड़ो खुश। देख भाग्य पर इतरो इतराणो नीचे आदमी ने कदे कदे भाग्य देवता रूठ भी जाया करे है। पूजा जाए कि जीवन साथी मिलने के बाद भाग्य देवता के करसी, तो चिंता मत कर। नहीं नहीं यहाँ कौन आया करे, बड़ा बुढ़ा कह गया है कि अति हर चीज की बुरी हुआ करे है, आदमी ने अति नहीं करनो चाहे। थारो खुश होने तो ठीक लागे, पर यहाँ इतराणो थोड़ो कम ही जैसे। देख मैं तो सही बात कर रही हूँ, तेरो भाषण कुछ ज्यादा ही मना लाग रहो है। चल घरा चल, मैं तेरा चाय पिलाऊं। चल मैं कहना क्या करूंगा मैं, अरे यार बाहर से जा रहा ही हूं मैं। अरे यार तू नाटक मत कर, तू चल, बड़ा बड़ा दिन हो गया आप बैठा को नहीं। आज फिर कर दिया तू, चल बस चल। कोई खास बात को नहीं बेटा, काम को टेंशन ज्यादा रखे हो बोल कर ना चक्कर आ। भाऊ जी भाई जी ने समझा दो, आज तू ऑफिस में संभालूंगा, आना को ऑफिस जाना बंद। एक दिन आना आपने रिटायर करया, आज मैं यहां ने रिटायर करू, और वैसे भी अनारो सिखाओ सब काम सीखो। सर ठीक है शंभू, तू काम को टेंशन कम लिया कर, हने संभालन दे। बहू जी अभी काहे का रिटायरमेंट? मैंने बेरो तने काम करने की आदत जाता ना, पर काम में थोड़ा कम कर बेटा। श्रीमान पति देव ये दिन है रात के, जाओ जाके नहा के आओ। मारी रूप कंवर जस थारो चांद सो मुखड़ो देखियो मन तो किसो जाई कने। अब जल्दी जाओ ना के आओ, भैया और भाभी नाश्ते की टेबल पर इंतजार कर रहे हैं। थाने चोखो लागे भैया और भाभी थारो इंतजार करे? अब पहली तो कदे या कने, मैं रोज सुबह उठकर मॉर्निंग वॉक जातो, कसरत करतो और 1 घंटा तनी रगड़ रगड़ कर नातो, पण अब सारी कहानी उल्टी होगी, सब तेरे कारण। मोरे कारण? हां थारा कारण, थारा कारण मेरी सारी आदत बिगड़ गई। नो मॉर्निंग वॉक, नो कसरत, बस प्यार। अब जाओ भी, जाके ना के आओ, मन शर्म आओ। मैं भाभी को क्या बोलूं? बोल दे, तो मेरी तबीयत खराब है, मैं ऑफिस को नहीं जाऊं। देखो जी मेरी ज्यादा बोलने की आदत को नहीं, मगर बिना बोले चाले को नहीं। आज बात में बोलू को नहीं, मगर संडे को पक्का बोल दूंगी। हाँ संडे को? अरे पर संडे की तो छुट्टी रहे, मैंने मूर्ख बना हुआ है तू। बाबू जी इस साल व्यापार में मुनाफा कम हुआ है। अरे बेटा व्यापार में ही तो मुनाफा कम हुआ ना, पर रिश्ते में तो घणो ही मुनाफा होगो। अरे श्रद्धा शहर की गुमान बेटा, व्यापार में घाटो नफो तो होते ही रहे, पर घर में आपस में प्रेम होना चाहिए, ऐसी कमी कदे ही नहीं आनी चाहिए, क्यों भी नहीं। हे ठीक कहो बाबू जी, अपना घर पर भगवान की कृपा है, जजा तो मैंने श्रद्धा जी की देवरानी मिली है। पहली तो घर में एक ही बहू ही, अब दोनों मिल गई है शरद। घर में लुगाया को राज भोगो है। तो गलत भी क्या है भैया, घर में राज लुगाया को और व्यापार में आपा दोया को। जीवन है बेटा,
लुगाया घर संभाला और आदमी व्यापार पर मन्ने लगा एक दिन उल्टो करनो चाहिए कहीं हां भे लोग तो संभाला व्यापार और ये लोग संभाला रसोई एक दिन कमाई रह जाएगी आधी और घर का लोग रह जाएगा भूखा पर भैया जी यो भी तो हो सके दी दिन कमाई हो जावे दुगनी और घर का लोग उंगलियां चाटता रह जाएगा देख कमाई दुगनी तो तू और भाभी जी मिलने शायद कर भी लो लेकिन खानो बनावा में मारो और भाई जी को डाउट है क्यों भाई जी मुझे तो चाय भी कोनी बनावा आवो है खानो तो दूर की बात बेटा ऐ लिए कही गई है जै को काम बे नहीं साजे और करे तो मूर्ख बाजे मैं अपनी बात वापस लूं बाबूजी के बोल होते अरे मुंबई मतलब सर 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 समुद्र सर सर सपना की नगरी और सर सर स्विमिंग पूल और सर से संस्कार सर से संस्कृति और सर से समाज मैं राजस्थान की बेटी हूँ मेरे संस्कार को नहीं भूल सका हूँ राजस्थान घूंघटे को देश है और घूंघट की शर्म ही मेरो धर्म है मने कदे बोल जो मत अरे पागल मत मजाक कर रहा हूँ भला कोई अपने बिनी नुमाइश की चीज बना हुआ के पर तेरा विचार जानकर मन में बड़ी खुशी हुई जितनी तू सोनी उतना ही तेरा विचार सोना चल ये बात मना तेरा सोनी सी जगह घुमाऊंगा हाँ चल अस्ता के सोच रही मैं थारे जैसा आदमी देखी कोनी अब तो घूमने को शौक है तारो ब्याह के पहले मुश्किल से ही कोई जगह देखी हूँ और ब्याह के बाद ते सारी दुनिया दिखा दी बचपन से मने घूमन को बहुत शौक है नई नई जगह देखनो नया नया लोगा से मिलनो नया नया रीति रिवाज जानो एक अजीब सो ही सुख मिला है पर पहली मैं अकेलो घूम तो अब थारो साथ मिलू तो सोना पर सुहागो को सारी खुशियां मेरी बाहू में और दुनिया का सारा नजारा मेरी आंखें में समा गया अच्छा और क्या चाहिए मैंने देखो जी मेरे ज्यादा बोलने की आदत को नहीं मगर बिना बोले चाले को नहीं अहिया ऐसा ही घूमता रहा तो व्यापार को क्या होगा बहुत घूम लियो बहुत देख लियो थारी आंखें का जंगल में घूमतो भटक गयो अब तो क्यों मैंने दिखाई कौन देवे ओ चंपा मने तो लागे आज तो सब कुछ उल्टो हो रही है दुनिया ही उल्टी लग रही क्या हो गयो कोई समझदार आदमी आया क्या कर सके है तू के बोल रहा है मने तो कुछ भी समझ में आवे को नहीं बोलन के लिए बाकी के रही गयो तो मत बोलना पर बोले बिना भी तो कोने रहो जाए कोई मिनक कोई बंदरिया ने क्या पसंद कर सके मतलब यो कि तन देखन जो राजेश बाबू आया था वो तेरे लिए हाँ कर दी और तेरो ब्याह पक्को होगो के हाँ बंदरिया नो ब्याह पक्को होगो थे मैंने बंदरिया बोलियो हाँ बोलियो बंदरिया नो ब्याह पक्को होगो 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 बाबूजी थारी चाय अरे ला बेटा पग लागे अखर तो सौभाग्य होती है बेटा मीने तेरे से एक बात करनी है बेटा बैठ जी बाबूजी बेटा तने ए घर में कोई तकलीफ तो कोनी ना नहीं बाबूजी पर थे क्यों पूछियो आई है बेटा अगर कोई तकलीफ हो तो मैंने बता दी के बेटा सरद मेरे बहुत लाडा कोडा पलड़ो और उनकी भाभी उन्हें लाड कर कर को और बिगाड़ रखे बेटा तू घर ना तो संभाल लियो पर बहने भी संभालनो तेरा ही काम है और मने तेरे पर पूरा भरोसा है बेटा पूरा भरोसा बाबूजी
बाबूजी चाय। जी तेरा बेटा, जी तेरा। वाह बहुत अच्छी चाय है। बेटा खुश हो ना तुम, किसी तरह की कोई तकलीफ तो नहीं है ना? नहीं बाबूजी। तुम जब से इस घर में आई हो चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हैं। बस आपका आशीर्वाद चाहिए बाबूजी। हम सब लोग अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझते हैं कि तुम इस घर में बहू बन के आई। भाभी मने याद करे कुन? याद तो नटखट देवरी हो आजकल फोन करे। यार एक बात बता मने, आपा शादी करे हा थोड़ा सोचा हा कसा करे मंगा सागे चालंगा पिक बाद में तो आपा एक दूसरे ने भूली का। हाँ मिलनो भी नहीं हुए हो, शादी बाद बात नहीं हुई, अलग अलग हो गया एकदम। पर एक बात बताऊं? बताओ। बे दोनों भी एक दूसरी आपस में भूल गई एक दूसरी ने। अरे आपन ही मिलिया तो बे कटे तो मिलेगा। लेकिन एक बात बताऊं, ठीक है ना मिला तो? अगर बे तीनों मिल जाएगी तो आपा ने भूल जाएगी। हाँ क्या बात कर रहे हो? मन जानो मन जानो ना ना। अरे तो चाल फिर, चाल फिर तो जाम के चलना। चलो कटे भाई अपनी पुरानी दुकान। बेटा तू सारा दिन घर का काम करे, सास ससुर की सेवा करे, पुनीत को ध्यान रखे, या तो बड़ी खुशी की बात है। पर बेटा कदे कदे अपने इस बाबूजी ने भी याद कर दिया कर। थाने कहीं भूल सकूं हूं बाबूजी? ते तो मने माँ और बाप दोनों को प्यार दियो है, और थारी ही तो सीखी कि सासरे में जाकर सास ससुर की सेवा करूं, पति की सेवा करूं, और बाप मन जीतू। बस बाबूजी मैं तो थारी ही आज्ञा को पालन करने में लाग रही हूँ। हाँ तो बहुत ही चौकी बात है बेटा, पर एक बात बता, घर का सब लोग तेरे से खुश तो है ना? बहुत खुश है पापा, बहुत खुश है। सास ससुर तो मने बेटी की तरह माने हैं, मेरे बिना तो एक पल भी को नहीं रह सके। साला सर जी तने सदा खुश रखे बेटी। हाय थारी बात सुन के मन को बोझल को हो गया। सासरे में तने इतनो सुख मिले, इतनो सुख मिले कि तने मारी याद ही नहीं आवे। खुश रह बेटी, खुश रह। हाँ बाबूजी। सर बाबा की श्रद्धा सुन तो सही मारी बात तो सुन। मैं थारे सगे बात ही करूं। अरे बात को नहीं करे यो के, अरे कारण तो बता। थाने याद है मैं ब्याह से पहले थारे से एक पहेली पूछी थी, थे बी टाइम भी मने जवाब को नहीं दियो और आज तक को नहीं दियो, और अब जब तक थे मने जवाब नहीं दियोगा तब तक मैं थारे से बात ही को नहीं करूं। श्रद्धा अब यह पहेली बीच में कटे सो आ गई। देखो भाई मैं तो थारे से पहले ही बोली थी मेरे साथ प्यार चाहोगा तो पहेली को जवाब तो देना ही पड़ेगा। पर पहेली की थी मन तो याद ही को नहीं। पहेली वो तो मन्ना याद है। सवाल दो जवाब एक, मुसाफिर उदासा क्यों, घोड़ा प्यासा क्यों? पहेली में ही जवाब है,
पहली किया थारी पहली सोनारे बाद थोड़ो उदास हो गयो होसी थारी पहली सोनारे बाद मुसाफिर पानी को ना मने पुतु ना बनाओ यो भी कुछ पहली का जवाब हो गए लोटो ना तो देख मुसाफिर की लिए उदास के पीवा के लिए पानी को लोटो नहीं तो और घोड़ो इलिए उदास की जमीन पर लोटो नहीं तो ये बात है थारी तो इंटेलिजेंट है बहुत पति सिखाओ लो यो क्रेडिट भी खुद ही लेगी ये नंबर लताई क्यों है देखो क्या पीपल के सागे लिपटी हुई है हाँ सदियों से अमर लताई पेड़ पर ही लिपटी रहे आस्ता मेरी दादी क्या करती कई पेड़ के नीचे बैठकर अगर कोई जोड़ो अमर लता के बारे में बात भी करे ना तो भी जिंदगी भर एक दूसरे के ही लिपटे रहे मैं भी यही चाहूं कि जन्म जन्मांतर तक थारा सागे ये अमर लता की जाप लिपटी रहूं मेरा तो इमा बचपन कटे ये अमर लता ने देखकर मैं हमेशा सोचा करता हूं कि मेरी भी अमर लता यहाँ की हो सरदान आला है मैं बाकी सागे जी मूंगा बाबू जी मन्ने छुपा दो नहीं तो मन्ने मम्मी ढूंढ लेगी आया जा बेटा एक काम कर तेरी बड़ी मम्मी कन जाके छुप जा बड़ी मम्मी मन्ने छुपा दो छुप ओ राहुल कटा क्यों है आजा दूध पी ले राहुल बाऊजी थाने बेरो है कड़ा गयो है बेनणी बेटा मने तो सूझे भी कोनी पर तू तेरी जिठानी नहीं पूछना भाभी थाने बेरो है ना मने तो कोनी बेरो हां थे क्यों बताओगे थारो तो लाडलो है ना राहुल ओ राहुल राहुल कड़ा गयो है राहुल हां पकड़ लिया बड़ी माँ का लाडला दूध नहीं पिएगो तो पापा के जिया बड़ो किया बनेगो ला दूध मन्ना दे मैं पियाऊं ले बेटा ए चुटकी बजाएगी पी ले पी ले पी ले ए लंबी होगी होगी ए इतनी लंबी होगी अब हो गई ये परी देश की राजकुमारी मम्मी मम्मी एक बात कहो हाँ बोलो बेटा मम्मी मेरी बोलने की आदत तो कोनी लेकिन तू चीज बड़ी है मस्त मस्त अरे मेरा बेटा थे क्यों हंसे हो थे ये चोरी की आदत बिगाड़ के ढेले की कर दी है कुछ सुनेगो तो क्या बोलेगो बोला क्योंकि बिना बोले ही जान जाएगो कि ये अनिल द ग्रेट की बेटी है क्यों बेटा है ना अच्छा बेटा एक बात बता तू पापा की बेटी है या मम्मी की मैं दोनों की हूँ पूजा पूजा
रो क्यों रही है? यो डॉक्टर भी जवाब दे दियो, जीवन का दियारा में एक ही तो आशा की किरण थी भाभी बुझ के। लोग ही डॉक्टर के बाहर में कत्ता कहता, पर यो भी परी को कह दोष दोषी तो मैं हूँ। मैं आके बोले पूजा, इमा तेरे को दोष को दी या तो होनी है, पर या होनी मारे साथ ही क्यों होनी है? सब लोग मरने ही दोष देवे हैं। मैं थारे वंश ने आगे नहीं चला सकी, थारे वंश की वृद्धि नहीं कर सकी। थे एक काम करो, थे दूजो ब्याह कर लो। के बोला तू? वंश तो आगे बढ़ानो है ना। वंश आगे बढ़ानो को मतलब यो कोनी की तरह प्यार ना भूल जाऊं। वंश आगे बढ़ानो मतलब यो कोनी तरह सामने सौत लाकर खड़ी कर दूं। वंश आगे बढ़ानो मतलब यो कोनी कि मैं अपना खानदान को नाम बदनाम करूं। खानदान को नाम खराब कैया होसी? मारा वंश में आज तक दूसरो ब्याह कोई करे कोनी। अगर मैं दूसरो ब्याह करूं इको मतलब मैं खानदान को नाम बदनाम करूं, और खानदान को नाम खराब करके खानदान की वृद्धि करके कोई फायदा कोनी। पर मां बाबूजी? मां बाबूजी की बात छोड़, वे तो बोलता रहे से। मैं तेरे साथ हूँ पूजा, और मने विश्वास है सब ठीक हो जासी। मैं तुम्हें कब से आवाज दे रहा हूँ? थे तो जानो मुन्नी मारे से कहानी सुने बिना सोवे कोनी। मुन्नी के आने के बाद तू मने भूल गई। कौशल्या क्यों है? हमें याद है अपने बिहारी पहली रात थे मने बोलिया कि कौशल्या परलोक जाता जाता मारी माई दो सोतेला भाई री जिम्मेदारी मने देगी है, और वो भगवान जाने कि मैं आने कदी सोतेलो समझो कोनी। मैं खुद भूख हो रही हूँ, पर आने खानो खिलायो ते मने ये भी बोलिया कौशल्या अपन आपरी कोई औलाद पैदा को नहीं करा, नहीं तो आपरो प्यार बढ़ जावेगो। जब से लेके आज तक सारा कहना पर चाल रही हूँ, यहाँ तक कि मैं आपरी ममता रो गलो घोट रखियो, और आज मैं जरा मुन्नी ने प्यार कर लियो तो आप नाराज हो गया। कौशल्या कौशल्या सब भूल हो गया। मैं तेने छोटा नहीं करना चाहूँ, तू बहुत बड़ी है, बहुत महान है। इप के करा, चल तू तेरी कविता कविता सुना दे कुछ। समझ में तो आए को नहीं के कवा थी के गावा थी। ठीक है इस तेरी बारी तू गा। जके जिन वेंटा कहे तू बच्चा पहला बाट जक पर डाउन एंड रो किस करा जके डम नहीं गा दस अब जक गॉट एंड वो मेका के फ्रासेस इस तू के पा दे पुटे तू वेट एंड फ्रासेस इस विथ विनेगर राउंड एंड पेपर। गुड 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 कोई भी बात ना मती बोली जाए। ताई जी थारी पहली माँ है और मैं थारी दूजी माँ, समझ गई? पेपर पढ़ने और काम के अलावा और भी बहुत काम है दुनिया में। लागे बेटी को असर मामा आगो। के मतलब? मतलब यो कि बावी दिन भर पहले हम बुझबो करती और भी के जाने के बाद में यो शोक तू पाल लियो।
अच्छा सांची सांची बता तू केनु के चावे? अरे केनो यो ही है। हाँ। कि श्रद्धा को कई दिनों से फोन को नहीं आयो, मारी चिंता हो रही है। अरे जवानी झूला झूलने के लिए और दुनिया भूलने के लिए है रुक्मणी। तने याद है जब आपनु नए नए ब्याह हुए हो ने पता ही कौन चालतो ने कि कत्ता दिन गुजर रहा और कत्ता महीना। श्रद्धा की उम्र भी खेलना खाने की है। बा सदा सुखी रहे और बाने सदा अपने पति को प्यार मिले, मां तो यही चाहूं। सांची बात है रुक्मा, बेटी ने सासरा में इतनो लाड प्यार मिले कि वह आपका माँ बाप ने भूल जा। ऐसे बढ़कर खुशी की बात और माँ बाप के लिए क्या हो सके। मारी एक बार वैसे फोन पे बात तो करा दो। फोन पर बात करेगी? हाँ हाँ जरूर लेकर। हेलो। हाय श्रद्धा। पापा। यस बेटा, क्या है तू? सब ठीक तो है? मैं तो मजे में, आप ठीक आओ। और मम्मी क्या है? हाँ ले तेरे मम्मी से बात कर, तेरे से बात कर मां बहुत उतावली हो रही है। देव। श्रद्धा बेटी। हाँ मम्मा। तू ठीक तो है ना? मैं एकदम मजा में, पर आप फोन क्यों कर रहे थे? अरे थारी याद आ गई बेटी। हाँ मम्मा, पर मैं आप फोन रखू, बाबूजी को आने को वक्त हो गया है और मेरे घर को सारो काम बाकी है। ठीक है? हाँ मैं बाद में फोन करूंगी। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा अच्छा राजी खुशी रहे बेटा। ओके मम्मा बाय। जल्दी माही फोन काट दियो। हाँ, कोई बात को नहीं, राजी खुशी रहे। हाँ हाँ सब ठीक। अच्छा चॉकलेट खाएगा आज? खाएगा आइसक्रीम भी? पिज्जा भी खिलाऊंगी मैं बच्चों को। राहुल थारे आवाज़ मारे और मारे भाभी के प्यार में कमी आ गई है। क्यों? मैं तुम्हें प्यार को नहीं करूँ? करो हो, पर इसु कम कम। हाँ देखो, पहली मैं सवेरे पहली चाय पिलाता, नाश्ता कराता, ऑफिस जाता तो दिन में 10 बार फोन करने पूछता कि खानो खा दो कि नहीं खा दो, घर आते चाय पिलाता, चाय पिलाए बाद नाश्ता कराता, रात को खानो खाया बाद दूध पिलाता। अबे अबे तो थाने चिंता है कोनी, देवर दुबलो वे रहो, कह वे रहो, बीमार वे रहो, कह हो रहो, पर पता नहीं है। अबे तेरी बहू है ना? बहू बहुरी जगह और माँ मारी जगह। अरे पगले, मैं तो राहुल में भी तने ही देखू सु। अरे बुन्नी क्या हुआ? ताऊजी ताऊजी मारा बहुत जोर पेट दुखे। हाँ डॉक्टर खन्ना, मैं केदार बोल रहा हूँ, मेरी मुन्नी की तबीयत खराब है, जरा जल्दी आ जाइए। जी दादाजी। अरे आज तू स्कूल को नहीं गए हो? आज स्कूल गए हो ना आज? हाँ बता मास्टर के क्या पढ़ाए हो? आज तो मुन्नी की होता। बदमाश मन नहीं बना, आज तो छुट्टी है दादाजी। श्रद्धा, राहुल कट है? आपके दादाजी कल है। अच्छा, मारो बेटा भी मारा जो शानो हो गया दिखे। थे बाप बेटा ही सारी दुनिया में सियानो हो, पर मैं भी तो जानू किया। वो यहाँ कि वो भी जाने कि मम्मी पापा ने ऑफिस जाता वक्त परेशान को नहीं करया करे, एक लो छोड़ देना चाहिए। किया खातर? वो यहाँ खातर। अब ना आप एक बेटा के बाप बन गया हो। अच्छा तो अब एक बेटी की तैयारी कर रही हूँ। चलो अब जाओ जाओ ना, अटकाए खड़े हो, जल्दी जाओ, आज फिर देर हो जाएगी ना, चल जल्दी जाओ। Shut up!
बेलनी ठेकेदार ने फोन कर अने हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा जल्दी सुनियो जी देवर जी ने शरीर में अटन हुई है हम इसे भी हॉस्पिटल ले जावा के बैठाई आ जाओ ठीक है डॉक्टर साहब कहिया है शरद पेशेंट के शरीर में लकवो मार गया मेरे पति को बचा लो डॉक्टर साहब धीरज से काम लो या दवाइयाँ लिखी है और यो तेल लिखे हो डॉक्टर साहब शरद ठीक तो हो जाएगा मैं झूठी तसल्ली को नहीं देना चाहूँ साची बात तो यह है कि बीमारी को दुनिया में कोई इलाज को नहीं अब कुछ नहीं होगा धीरे धीरे हेलो हेलो कौन हेलो मम्मा श्रद्धा बेटी हाँ बोल अरे अरे बेटा तू रो क्यों रही है मम्मा क्या होयो अनर्थ हो गया अनर्थ हो गया अरे क्या अनर्थ हो गयो अरे तू रोनो बंद कर बता मैंने लकवा मार क्यों मामा कमर जी ने लकवा मार क्या हेलो हेलो श्रद्धा बेटी घबरा जी मत बेटी तेरी माँ ने लेकर पहुंच रही हूँ बेटा घबराए मत ना घबराए मत श्रद्धा की माँ घड़ी में अपन श्रद्धा के सागर उठ जाए जल्दी तैयारी करो अब के अपन जोधपुर चल लो माँ जी भिंडी पेरू भाई भिंडी बना दी माँ जी इस समय क्या कर दियो तने मालूम है कि मन ने भिंडी पसंद को नहीं फिर भी तो जान बूझ कर पर माँ जी भिंडी तो आपकी फेवरेट सब्जी है देखियो ये को मिजाज कहीं जबान लड़ा रही है माफी मांगा को नहीं और जबान लड़ा रही है पर बाबूजी मैं जबान थोड़ी लड़ा रही हूँ मैं तो बस एक बात कह रही हूँ बात सुने वो तेरो बाप मैं कोनी सुनो बाप पर क्यों जाओ माँ जी मेरो बाप बापड़ो थारो के बिगाड़ियो है हारे जैसा मन हूँ उसने मारे घर जो भेज दियो अरे या तो अपना वंश मिटाते ही जावी बाबूजी खबरदार जो बाबूजी कह रहे पुनीत का बाबूजी अपने सागे बहुत बड़े धोखे हुए कांच के टुकड़े ने हीरे की कड़ी समझ के घर ले आया चल निकल अठे कोई तो रास्ता हुए पर अचानक मेरी बहन को ब्याह है क्या भैया 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 क्या बात होगी भैया कुछ तो बोलो भैया हाँ सक्सेना जी ऐसी क्या बात बोलती थे कि भैया एकदम से निडाल होगा क्या सिंगा नहीं है साफ दीवा पर मारा तो 80 लाख रुपया आवा मामा देखो सक्सेना जी ये तो जनरल मैनेजर हो आप कुछ तो व्यवस्था कर सको ये तो जानो के हमारी बहनों को ब्याह है कुछ हो नहीं हो सके चिंगानिया साहब दिवालिया घोषित हो चुके
सिन्हा जी, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। भैया भैया ते चिंता मत करो भैया, भैया मैं उन्हें थारे साके अपने भाव अपने भाण को ब्याह होगा भैया, ते चिंता मत करो भैया, अपन व्यापार साथ में शुरू करे और इन्हें आगे बढ़ाऊंगा भैया, ते चिंता मत करो। हेलो मिस्टर डॉक्टर खन्ना, मैं अनिल बोल रहा हूँ। भाई जी की तबीयत खराब होगी, ते जल्दी से जल्दी ऑफिस में आओ। पूजा की बात है, क्यों हो इतने ही बोलो, मैं क्या करूं, बेटो नहीं होने में मेरो क्या दोष, सब लोग मने ही दोष दे रहे हैं। कौन बोला तेरा दोष है? माँ बाबू जी, और कौन? माँ बाबू जी, चक्का मेरी तारीफ करता नहीं थकता, आजकल हरदम मेरी बुराई करता रहे, पड़ोस में और बटी में मैं कठे ही को नहीं जा सकता, अहिया लागे है चाहिए जीवन नरक हो गयो है। पूजा सब ठीक हो जाओ, सब्र रख। टाबर होया ही सब ठीक हो सी, पर टाबर होवे कोनी, मैं क्या करूं? कुएं में डूब जाओ या नदी में जान दे दूं। पूजा आज के बाद आए बात नहीं मत करिए, तू जाना मत, तेरे बिना जिंदा को नहीं रह सकता। माँ बाबूजी की चिंता मत कर, मैं वहां से बात कर लूंगा, मैं तेरा साथ, विश्वास है मेरे पर। हाँ हिम्मत राख बेटा, हिम्मत राख। पापा क्यों गए पापा? बेटा हिम्मत से बड़ी से बड़ी मुश्किल को समाधान निकले है बेटा। शरद बाबू ने देखा बहुत दुख हो, भगवान भी भला आदमी की परीक्षा ले, तू चिंता मत कर बेटा, सब ठीक हो जाओगे, तू धीरज राख। धीरज किया राखू पापा, डॉक्टर ही जवाब दे दियो है बेटा, दुनिया में डॉक्टर से बढ़कर भी एक डॉक्टर हो गए। फिर आप खून को के बिगाड़े है बेटा, जिसको कोई आप खून बिगाड़े दो। तो चिंता मत कर बेटा, दुखी मत हो, सब ठीक हो जाओगे, सब ठीक हो जाओगे बेटा। भाभी साहब, डॉक्टर खन्ना बोल रहे हो कि थारा भाई की तबीयत अपने आप ठीक हो जाएगी, बस आपको ध्यान रख जो, और कोई भी अयल की बात जिस सबा का दुख और बढ़े वह बात बिल्कुल नहीं करनी है, ये ठीक होगा, कोई खुशखबरी आने जिस दिन मिल जाएगी, विधि अपने आप ही ठीक हो जाएगा, बस तेवा को ध्यान रख जो। पुनीत के ब्याह ने 5 साल हो गया, हालत ही भाप नहीं बने हो, बच्चों बिना घर सुनो सुनो लगत है। अरे आपनी तो छोड़ो, मैं तो सपना देखी थी कि पुनीत के ब्याह हो गई, बिनिड घर में आवेगी, पोता पोती को मुंह देखूंगी, पर माँ बाबू जी चाय। अरे रख दे रख दे, एक लखन तो देख। हाय हट्टी कट्टी, मगर जमीन बंजर है। साची बोलो, पेड़ चाहे कितोई हरियो भरियो पर फल नहीं लगे, जब के काम हो। आपकी तकदीर खोटी है तो दूसरों ने के दोष? दोष सारो बिनड़ी को है, लोग के बाता करे है। मन ने लागे पोता का मुंह देखे बिना अपन दोनों मर जावंगा। आ तो मनहूस लुगाई है, जनताई अपनी माँ ने खाएगी, अब अपन खाएगी। दोष मेरे को नहीं माजी, दोष तो मेरा कर्मा को है। कई बात है जी, थे इतना गुमसुम क्यों हूं? अरे हूँ काई कह रही हूँ, हमारी बात तो सुनो। देखो जी, यह धंधा में तो नफा नुकसान लगे ही रहे हैं, और जिंदगी में सुख दुख तो आतो जातो रहे हैं, ये बात रे इतनी चिंता करवा की कोई जरूरत को नहीं। अरे ये बात ने अपना दिल पर लोगा तो थारी तबियत खराब हो जाएगी। अत्रो गुमसुम मत रो जी, थे अत्रा गुमसुम रहोगा होगा के कौन संभालेगा? मारी बात सुनो, इतने दिल पर मत लो जी,
हाँ बियानी साहब, मैं अनिल बोल रही हूँ। बियानी साहब, माना थोड़ा रिपेयर की जरूरत थी। हाँ नहीं बियानी साहब, भैया की बात को नहीं, अपनो पिछले साहब है जो चूक तो कर देंगे, अब थोड़ा माको समय खराब चल रहे। हाँ नहीं बियानी साहब, ऐसी बात तो को नहीं, देखो थाने जरूरत पड़ी जा, मैं भी तो थाने दिया हक, आज माने जरूरत पड़ रही है जना थाने बोल रहे हैं। और थाने तो बेरो है कि भाई जी की तबीयत भी खराब है। अब हाँ बियानी साहब, मैं थाने थोड़ी देर बाद में फोन करूँगा। हाँ बोल, क्या बात है भैया? मैंने ब्याह को नहीं करना। तू यूँ क्या बोल रही है? मेरे ब्यारे वास्ते आज भैया री आ हालत हो रही है, मैंने ब्याह को नहीं करना। बचपन से लेके अब आज तक भाई जी ने कतो प्यार कर लो, कदी अपन ने कदी अपन तीनों ने सोते लोग को नहीं समझो। अरे माँ बाप ने प्यार दिए, आज मेरे भाई रे आ हालत हो गई है। तू ठीक बोल रही है, पर बाना ठीक करवा को एक ही रास्ता है, और वो है तेरो ब्याह। तेरो ब्याह भी बाके चेहरा पर खुशी ला सकेगा, पर मन खुशी है कि मेरी भाण का ये विचार है। बस तू खाली भाभी को ध्यान रख, पढ़ाई नसीब वाला ना यहाँ का भैया और भाभी मिले, ढूंढ बात से भी को नहीं मिले, ढूंढ बात से भी को नहीं मिले। पूजा, क्या बात है बेटी, तू रो रही है? पूजा तू ठीक तो है ना बेटा? तेरे सासरे में तो सब ठीक है ना? मन्ने छोड़कर सारी दुनिया ठीक है। मैं तने बड़े लाड़ प्यार से पाली है बेटी, तेरे सो ही ई घर में रोशनी हुई है, पर जब से तू ई घर से गई है ना बेटी, ई घर की तो रोशनी ही चली गई। पर मैं आ सोच के कालजे पे पत्थर राख लियो कि बेटी तो परायो धन हुए है, एक ना एक दिन बाबुल को घर छोड़ के जानो ही पड़े है। और यही दुनिया की रीत है बेटी, यही दुनिया की रीत है। मैं संसार का सारा दुख बर्दाश्त कर सकू हूं बेटी, पर तेरी आंखिया में एक आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। बोल बोल बेटा, शाबाश, बोल 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 बेटा। पापा, जिंदगी में लुगाई दो बार रोकते हैं बेटे, एक बार पैदा हुए जत, दूसरे पियर छोड़ के सासरे जावे जत, पर सासरे में जाके बेटी ने तीसरी बार रोनो पड़े है। इससे बड़ी एक बाप रे लिए और दुख की बात के हो सके है। तू घबरा मत बेटी, तू घबरा मत, अभी तेरो बाप जीव तो है। थारी बेटी मनुष है बाबा, मनुष है, जन्म तई मां ने खा गई, पर ब्याह के 5 साल बाद भी सास ससुर ने पोते पोती को सुख को नहीं दे सकी, को नहीं दे सकी। पूछा मत बोल बेटी, इया मत बोल, मारे कालजा में 300 लागे। भाई साहब दवाई ले लो, दवाई ले लो। भाई
माँ जी मेरो कसूर के है? तेरो कसूर यो है कि तू बाज है बाज। तेरो कसूर यो है कि तेरे कारण मेरो वंश आगे कोड़ी बढ़े। तेरे तो कसूर ये है कि तू मेरे बेटे ने बाप नहीं बना सकी। कमधन जी क्यों बाहर खड़ा होकर तमाशा ही बनकर हमारी बर्बादी के तमाशा देख रहे हो? अरे ये तमाशा का सूत्रधार है ही हो और ये बंजर भूमि हरे नाम कर दी, हरे भरे मारे दुनिया ने मच्छर कर दी। मारा खरा आता शर्म को नहीं आई भांजड़ी का बाप। समधन जी जरूरत पड़ी तो मैं मेरी बेटी के लिए आसमान का तारा भी तोड़ के ला सका हूं। पर एक बात कहूं समधन जी, मां बनना औरत के हाथ में नहीं है, ये तो ऊपर वाले की मर्जी है। थे भी तो एक औरत हो, थारो बेटो पुनीत भी ये बात के लिए इतरो ही जिम्मेदार हो सके है जितनी मारी बेटी। धरती का हजारा रूप है, हर रूप में मां मां ही कहलावे। औरत को हर रूप मां बहन बेटी को रूप है, भी को मान होना चाहिए, अपमान नहीं। थे भी तो एक औरत हो, थे चाहो तो माने गाली दे दो पर आपरी बहू ने कुछ मत कहो। थे हमारी समझण हो, थाने प्रणाम। देवर जी ते मने ये हमेशा घुर घुर के देखता रहे वो। भाभी जी थारी सूरत में मैं हमारी माँ ने देखू, थारी सूरत बिल्कुल हमारी माँ से मिले। मैं थारे हमेशा प्यार से देखू, जब भी थारे देखू मने हमारी माँ की याद आवे। थारो भाई सौतेले होकर भी भाइयों के लिए तो करियो, बस ये बड़ो कुण थारी भाभी देवरा के लिए माँ बनने को सुख छोड़ियो, बस है बड़ो कोण। अरे औरत को साचो सुख तो माँ बनने से होवे, पर थारा भाई और भाभी जीवन भर घुट घुट कर जीता रिया, बस है बड़ो कोण। माँ भाई जी की खामोशी बंद को नहीं कर सकियो, मेरे से छोटो कोण मैं भाई जी को कर्जों को नहीं चुका सक्यो, मेरे से छोटो कुण भाभी जी का आंसू को नहीं पूछ सक्यो, मेरे से छोटो कुण आस्था मैं के करूं आस्था, मेरे से भाई जी की खामोशी बर्दाश्त को नहीं हुआ। अनिल मैं चट्टान के मुख को मार कर आवाज पैदा कर सकूं, मैं बादल में छेद कर बरसात की रिम झिम आवाज पैदा कर सकूं, मैं शांत जंगल में आग लगा कर धू धू की आवाज पैदा कर सकूं, पर भाई जी रिया खामोशी खामोशी। अनिल थारो सच्चो प्यार हार को नहीं सके, भैया ठीक हो जावेगा यो मारो विश्वास है। Thank you.
थाने मारी बेटी के सुहाग ने बचाना पड़ेगा बाबा। माने पहले के जिया ठीक करना पड़ेगा। पीछे मारी बेटी श्रद्धा तो तारी परम भक्त है, सदा तारी पूजा अर्चना करे है। नहीं मम्मा, मैं साला सर जी ने भुला दी हुए मम्मा। अपनी घर गृहस्थी के सुख शांति में ऐसी खोई बाबा का पूजा पाठ माइड़ो लाड दुलार बाबुल रो प्यार सखियन सहेली को साथ सब कुछ भुला दी हुए माँ, सब कुछ भुला दियो। सारे जीवन के सुख को बस अपनी झोली में समझ साची तो है ना माँ, दुख में सुमरन सब करे सुख भी करे ना कोई। जो सुख में सुमरन करे सो दुख का ही कोई। मम्मा मैं आज ही साला सर जी के दरबार में जाऊंगी। मम्मा मैं फरियाद करूंगी, मम्मा मैं फरियाद करूंगी, पापा मेरी सारी भूल माफ करके मेरे दुख काटेगा। मम्मा मैं काली झोली को भरोगो मम्मा। मम्मा मेरी जरूर सुनोगो है ना मम्मा। बेटा अपन आज ही साला सर जी जाओगा। हाँ मम्मा। चलो साला सर चला, चलो साला सर चला, चलो साला सर चला, चलो साला सर चला, चलो रे साला सर चला, चलो रे साला सर चला, चलो साला सर चला, चलो साला सर चला, चलो साला सर चला, चलो साला सर चला। दुखा से मत डर मत डर मत डर, जल्दी चाल अरे साला सर। दुखा से मत डर मत डर मत डर, जल्दी चाल अरे साला सर। वो तेरा दुखड़ा मिटा देगो, तेरा सब संकट काटेगो, वो तेरा दुखड़ा मिटा देगो, तेरा सब संकट काटेगो। वो है सचो संकट मोचन, मांजनी को डालो वो दीन दयालो। चलो साला सर चला, चलो साला सर चला, चलो साला सर चला, चलो साला सर चला। भूल गई मैं थाने सुख में, भूल गई मैं थाने सुख में, याद आ गया झट से दुख में, मिट दुख की काली छाया,
दोनों इतना दिन। ये दोनों तो जानो हो मेरी ज्यादा बोलने की तो आदत कोनी, मगर बिना बोले चाले कोनी। आज कितना साला बाद आप तीनों भाईलिया मिली है। मने तो बालपनों से लेकर ब्याह तक सारी बात काल की सी लागे। एक एक करके सारी बातें याद आवे। याद है आप तीनों एक दूसरे से मिला बिना कोनी रहती, एक पल भी बाता क्या बिना कोनी रहती। पर गृहस्थी का सुख में सो क्यों भूल गई, और आज तीनों ने दुख पड़ियो तो बाबा जी की याद आ गई, और साला सर जी आप तीनों ने मिला दिया। नैना बरसी नीर भाईली, याद आवे सब बात, हंसता खेलता दिनड़ा बीतता, बाता कटती रात। श्रद्धा कितना बरसा हो गया, थारी पहली सुनिए, एक पहली बुझा दे। कटोरो में कटोरो, बाप बेटो सुगोरो, बोलो बोलो। यो जीवन भी ना एक पहेली जैसो ही है, कदी कदी ना इया हो जावे, सब तरफ उलझन ही उलझन हो जावे। मेरी ज्यादा बोलने की तो आदत कोनी, मगर बिना बोले चाले कोनी। जिंदगी की पहेली बालाजी साला सर ही बुझावेगा। तू ठीक बोले आस्था, तू ठीक बोले है। आओ आपन साला सर जी के दरबार में एक प्रण करा, जब तक आप साला सर जी ने मनावांगा नहीं तब तक अटा सो वापस नहीं जावांगा। आप खाली हाथ आया हाँ झोली भर के जावांगा। शुभ शुभ बोल, क्यों उल्टी बातें कर रही है पूजा? अरे मैं तो उल्टी बातें कर रही हूँ, मगर तू तो उल्टी कर रही है। क्यों क्यों इतने पूजा? अरे थारो मन तो खट्टो थियो ही, अब तन भी खट्टो हो रही है। नहीं 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 नहीं, तन खट्टो नहीं हो रही है, तन तो खिल रही हो है। अट्टे तो फूल खिलन वालू है। फूल? अरे बावली या तो माँ बनन वाली है, या तो सब साला सर जी बाबा जी की कृपा है। बोलो साला सर जी की जय। ये बोली ओजू से बोल। हाँ बाबूजी, आप नाना बनन वाला हो? बाज कोनी बाबूजी, मैं बाज कोनी। बेटी जिके धाम में तू खड़ी है, बठे कोई अधूरा कहीं रह सके, सब सलासर की मर्जी है। जी का फोन है। हेलो। हाँ अनिल,
आनिल मैं कहार बोल रहा हूँ। भैया थे, भैया को फोन है। भैया थारी आवाज सुनकर तुम आज तो खुश हूँ कि मैं कुछ बोल ही को नहीं सक रही हूँ। चुप क्या होगा, मेरी तो सारी जिंदगी ही सोगी। आस्था भी थारा बारा में ही सोच रही है। भैया आज थारी आवाज सुनकर लागे है सारी दुनिया जागी है। जय सालासर हनुमान की, जय सालासर हनुमान की। सालासर जी अपनी सुन ली, अपनी बहू ने विश्वास जीत गए हो। सिंघानिया जी तो फोन आए हो, डुबियोड़ा 15 करोड़ पाछा मिल गया। के कह रहे हो भैया? मैं बाजार को सारा पेमेंट कर रहा है। अच्छा साची बोल रहे हो थे? तू सालासर बाबा ने मारी प्रणाम कही जे। बिल्कुल भैया बिल्कुल, मैं थारा बारा में और भाभी का बारा में सालासर जी ने जरूर बोलूंगा। अनिल, अरे बेटा तू अठहरी चिंता मत कर, थारा भाई साहब एकदम ठीक है। हाँ और सालासर बाबा ने मारो प्रणाम कीजे और बिंदुनी ने मारो आशीर्वाद दीजे। अरे सुन तो, अरे तारा भाई साहब तने एक खबर देना तो भूल ही गया। चंपारा ससुरा जी आया था, वे शादी जल्दी कराना चाह रहे हैं। हाँ बेटा बस अब तो जल्दी बिंदुनी ने लेने जल्दी घर आ जा। हाँ तुम शादी की तैयारियां शुरू कर लो। हाँ आधी रात होगी भाई, तू थक गई होगी, सो जा। काल सुबह अपने सब ने गाड़ी से चालनू भी है, हैं? भोर की आरती भी लेनी है, सो जा रुकमा। श्रद्धा बेटी जल्दी कर भाई, अपने ट्रेन भी पकड़नी है। हाँ, जल्दी उठो ना शेर, चलो ना। नहीं बंदा, आज मैं कोई निकाल सकूं, मैं बहुत तकलीफ हो रही है। दामाजी थोड़ी हिम्मत रखो। शरद बाबू आप आया जब से बाबा की एक भी आरती बिना दर्शन के कोनी छोड़ी। अपन फिर गाड़ी भी तो पकड़नी है। श्रद्धा बेटी जल्दी कर बेटा। ते उठन की कोशिश तो करो ना शरद। देखो आपने ना आज की आरती तो बिल्कुल को नहीं छोड़नी। चलो ना उठो ना प्लीज। उठो बेटा उठो ना, हिम्मत रख। बोलो सालासर बाबा की जय। सालासर जी बाबा की जय। सालासर बालाजी की जय।
दुखां से मत डर मत डर मत डर जल्दी चाल अरे साला सर ¡Gracias!